किस्त जमा कर रही हो या नहीं। अगर किस्त नहीं जमा करोगे तो कल तुम्हारी गाड़ी खिंचवाने जाएगी। अरे मैडम क्या बता रही हो, पता है हमारी 3 दिन पहले किस्त जमा हो गई है। पिछले महीने की तुम्हारी किस्त जमा नहीं है, बुलेट चलाने की औकात नहीं थी तो फिर क्यों ले लिया किस्त पे? अपने कंप्यूटर में देखिए, ठीक है, हमने भी 3 दिन पहले ही किस्त जमा की है। कोई अपडेट नहीं है, कंप्यूटर में नहीं शो कर रहा है। ओ आपकी टेंशन, पिछले महीने का नहीं जमा किया है किस्त। ओ आपकी टेंशन है, अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हमने यहाँ से पैसा पे कर दिया है। जब तुमने पे किया होता तो शो क्यों नहीं होता? तो इसमें हमारी कौन सी गलती है? हम 1 दिन पहले ही जानते हैं कि हमारी किस्त लेट ना हो तो 1 दिन पहले ही पे कर देते हैं हम। तुम्हारा 5600 रुपये बाकी है, अभी नहीं पे हुआ है पिछले महीने का। हमको पता है हमारी किस्त 5600 रुपये जाती है, ठीक है, पर हमने 3 दिन पहले ही अपने ही फोन से पे किया है। पे किया होता तो कैसे नहीं शो होता? वो आपकी टेंशन है, ठीक है, मेरी टेंशन नहीं है। क्या मेरी टेंशन है? तुम्हारी गाड़ी कल चली जाएगी, ठीक है, मेरी टेंशन है, तब पता चलेगा तुमको किसकी टेंशन है। ऐसा किसी गाड़ी चली जाएगी मेरी, कोई खिलवाड़ है? तो किस्त जमा करना चाहिए ना आपको, आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता है? देखो उल्टा सीधी मैडम जी बात मत करिए, ठीक है, वो आप मेरी हैसियत मत देखिए। देखिए कल तक चाहे जैसे किस्त जमा करवाइए आप। देखिए मेरी किस्त जमा है, अब किस्त मैं बार बार नहीं जमा करवा पाऊंगा। आपने कंप्यूटर में देखिए, वो अब मेरा देखिए कि हाँ चेक करिए कि कितनी लेट है किस्त, कितनी जमा है, ठीक है, मैं एडवांस किस्त जमा कर देता हूँ। चेक ही कर रही हूँ, अभी मैं चेक ही कर रही हूँ, 5600 रुपये बाकी है, आपका पेमेंट करिए 1 घंटे के अंदर। पेमेंट करिए मैडम जी, जब देखो उल्टा सीधी बात करो, ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा फिर आप पे, फिर हम क्या दिमाग खराब होगा, पहले तो तमीज से बात करो तुम। आप तो किस्त नहीं जमा कर रहे हो, बस बता रहे हो दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोल कहाँ से रही, इतना बताइए। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस से, आपका नाम क्या है? रिया त्रिपाठी। अच्छा, ये बताइए आप जमा करवा रहे हैं या नहीं? चेक करिए, पहले चेक करिए, एक बार चेक तो करिए, हमारे सामने चेक करिए ना। मैं अभी फिर से चेक कर रही हूँ, इसमें नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने जमा नहीं किया है। वहाँ पे देखिए मैंने 1 दिन पहले ही मैंने किस्त पे कर देते हैं, ठीक है। आपके कहने का मतलब आपने कल जमा किया था? 3 दिन अभी हुए, 3 दिन हुए हैं अभी। अच्छा 3 दिन हुए आपको। अपने खुद के अकाउंट से मैंने पे किया है, ठीक है, मैं किसी से पे नहीं करवाता हूँ। आपने अपने अकाउंट से पे किया है ना? हाँ। तो आप डिटेल दीजिए, मैं चेक कर रही हूँ। क्या देना पड़ेगा बताओ, हम देंगे आपको डिटेल। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था ना, हाँ हाँ, वही अकाउंट दीजिए आप मुझे, और एक कोड जाएगा वही बताइए, फिर वेरीफाई करके मैं आपको बताती हूँ। अभी बता रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, अकाउंट नंबर बताइए आप। वो कोड किस कोड में किस पे आएगा? देखिए आपके उसी नंबर पे आएगा, और जो अकाउंट जिससे आपने पेमेंट किया है पहले वो अकाउंट बता दीजिए, फिर आपका जो नंबर है जिससे पेमेंट हुआ है वो नंबर पे कोड जाएगा, फिर कोड बता दीजिएगा। पहले अकाउंट नंबर बताइए फिर कोड बताइए। हाँ लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए हमारा। हाँ बताइए। 77। हाँ। 54। जी। 39। 39। 45। 45। 30। 30। 1। देखिए 30 एक। अब देखिए अपडेट कैसे नहीं आया, ये आपकी टेंशन है, हमको नहीं पता, हम यहाँ से पूरी में। एक मिनट रुकिए, पहले मुझे चेक कर लेते। हाँ चेक करिए। मैंने चेक किया, ये तो गलत अकाउंट बता रहा है। गलत कैसे बता रहा है? आपने इससे कोई पेमेंट ही नहीं किया है, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा इसी से पेमेंट कट रहा है, ठीक है, हम इसी से पे करते हैं, वो आप बता रही हैं। कोई पेमेंट नहीं हुआ है, आप सही सही बताइए जो अकाउंट है, ये आप गलत अकाउंट नंबर बता रहे हैं, आप बेवकूफ समझ के रखा है क्या? तुमको हम बेवकूफ लग रहे हैं क्यों? देखो तमीज से बात करिए मैडम, ठीक है, निवरना मेरा मूड खराब हुआ ना तो फिर आपका ये फाइनेंसर अलग ही रहेगा। ये पहले आप तो आप बकवास करे जा रही हैं, हमसे बकवास करे जा रही हैं, हम शांत बैठे रहेंगे। बकवास तुम कर रहे हो कब से, बकवास तुम कर रहे हो, सही सही अकाउंट बताओ नहीं तो फिर कल चली जाएगी तुम्हारी बुलेट, बता रही हूँ मैं, लास्ट टाइम है ये। देखिए मैडम मेरी किस्त जमा है, ठीक है, तुम्हारी किस्त नहीं जमा है और तो तुम गलत अकाउंट बता रहे हो। आप जो कर रही हो ना, आप जो कर रही हो ना वो हमको पता चल गया है, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मतलब क्या तुम कहने के चाहते हो? देखिए मैडम जी मेरे अकाउंट से पैसा पे हो जाता है हर महीने में, ठीक है, वो आप बोल रही हैं पे हो जाता है, पे होता तो शो नहीं करता, इसीलिए आपको हमने अकाउंट नंबर अपना गलत बताया है, आप कोड भेज रही हो, ये भेज रही हो। नहीं नहीं मेरा खाता खाली करना चाहती हो ना, आप फ्रॉड कर रही हो, तुम पागल हो क्या? आप नंबर से कौन फ्रॉड करेगा, कौन आप फ्रॉड कर रही हो ना,
ये फ्रॉड कर रही हूँ मैं, तुम्हारे अकाउंट नंबर से क्या मिल जाएगा मुझे? नहीं आप कोड भेजोगी ना, अकाउंट नंबर मेरा लेके फिर कोड भेजोगी, वेरीफाई करने के लिए है बस, और फिर कोड जहाँ बताएंगे फिर तुम पैसा निकाल लोगी हमारे अकाउंट से, पूरा अकाउंट खाली कर दोगी ना? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही आप करने वाली थी मेरे साथ। नहीं निकलेगा वो, बस वेरीफाई के लिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, जिसको पता नहीं है बेचारे वो गरीब लोग लेके आते हैं, ठीक है, गरीब लोग लेके आते हैं तो उनको तुम चुतिया बना देती हो, पागल बना के वो पैसा खींच लेती हो पूरा अकाउंट, फिर वो दौड़ते रहते हैं कि भाई साहब देखिए हमारा ईएमआई पूरी साफ हो गई या हमारे अकाउंट से ज़्यादा पैसा कट रहा है, इसलिए तुम लोग फ्रॉड कर रही हो ना? देखो बकवास मत करो, ये बताओ पेमेंट करना है या नहीं तुम्हें? पता है क्या यहाँ हो रहा है, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ, हमको चुतिया समझ रखे क्या? रिकॉर्डिंग करके क्या कर लेगा तू? करना है जो हमारे भाई बेवकूफ भरे पड़े हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, कोई नहीं फंसेगा तुम्हारी जाल में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फंसने के लिए अभी ये रिकॉर्डिंग फेसबुक पे यूट्यूब पे जाएगी मैडम जी, देखना आप, तुम्हारे कोई नहीं झांसे में आएगा, अब तुम्हारे झांसे में कोई नहीं, देखिए दोस्तों फोन कट कर दिया इसने, अब इसके झांसे में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग फ्रॉड करती हैं कि आपका किसने जमा है, आप अकाउंट नंबर बताइए, अकाउंट नंबर बताते भी बता दिए थे, और फिर ये ओटीपी भेजती, कोड भेजती, उन पूछ लेती कि कितना आया है, बस पूरा अकाउंट खाली। जो हमारे दोस्तों लोग नहीं जानते हैं वो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो भाई गाड़ी निकलवाए हैं उनको तक पहुँचाएँ वीडियो, ताकि हर कोई दोस्त हर कोई भाई सतर्क हो जाए इस फ्रॉड से, बिल्कुल भी सावधान हो जाए और इस फ्रॉड में बिल्कुल भी ना पड़े।